चैनल, ये है जिंदगी और आज है दिन ट्यूसडे, लेकिन ये ब्लॉग कल से ये स्टार्ट हो रखा है, यानी मंडे को ही मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, बट मैं इसे कल कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मुझे कल बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था इस वजह से, और इसके कारण बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए, ना कि ये वीडियो केवल, बल्कि बहुत सारे काम, बहुत सारे कपड़े थे, मुझे मार्केट जाना था, लेकिन कुछ नहीं कल हो पाया। तो देखती हूँ आज कितने काम हो पाते हैं। और जनाब भी अभी आएंगे लंच करने के लिए, तो चलती हूँ मैं लंच की तैयारी करने के लिए। और आप लोग कल की स्पेशल लंच की वीडियो देखिए, और आज देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। और आज की ब्लॉग की भी स्टार्टिंग मैं इसी वक्त से कर देती हूँ, एक ब्लॉग की एंडिंग और दूसरे ब्लॉग की स्टार्टिंग। मंडे लंच में मैंने बनाए थे राजमा और चावल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में राजमा ले रही हूँ, और उसके बाद मैंने उसमें पानी डाला है, और उसी के साथ साथ मैंने इसमें नमक और हल्दी भी डाल दिया है। और अब मैं प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा रही हूँ, और इसे एक सीटी आने तक बिल्कुल हाई फ्लेम पर मैंने रखा है। और उसके बाद जब एक सीटी इसमें आ गया है तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, और उसके बाद फिर मैंने इसे 4-5 सीटी आने तक पका लिया। और इधर मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, ये आंवला लेकर के आए थे मेरे हबी, तो आंवला वैसे हम लोग ज़्यादा नहीं खा पाते, इसी वजह से मैं इसकी चटनी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आंवला को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है, और उसी में मैंने थोड़ी सी धनिया भी ले ली है, यानी धनिया की पत्ती, और अदरक, थोड़ी सी अदरक, 3 से 4 कली लहसुन की, और नमक, और इन सबको मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी चटनी, यानी धनिया और आंवले की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और देख रहे हैं ना इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। लेकिन चटनी का कलर जो है इस टाइम जितना खूबसूरत दिख रहा है, कुछ देर के बाद इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, टेस्ट तो वही रहता है। और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और इधर राजमा भी उबल करके तैयार है, तो मैं इस तरफ कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लंच जल्दी जल्दी से बनाना है। हबी जी बिल्कुल टाइम से आ जाते हैं, 2 से 2.5 के बीच में, लेकिन देखिए जब जल्दीबाजी होती है तभी कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा काम आ ही जाता है। तो यहाँ पे जार में तेल खत्म हो गया था, तो मैं तेल को भी इसमें डाल ले रही हूँ। और फिर इधर मैं प्याज को इस मैनुअल चॉपर में बिल्कुल बारीक कट कर लूँगी, क्योंकि जब हाथों से अभी कट करने के लिए जाऊँगी ना इस प्याज को, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस चॉपर में बिल्कुल बारीक मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, और बहुत फटाफट से इसमें काम हो जाता है, तो कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल लगता है। वैसे मैं हमेशा नहीं यूज करती हूँ, जब मुझे जल्दीबाजी होती है तभी यूज करती हूँ। मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, सरसों तेल, और इसमें मैंने डाला है जीरा और हींग, और उसी के साथ साथ मैंने एक तेज पत्ता भी डाल दिया है इसमें, और जीरा थोड़ा सा भुन गया है, तो मैं इसमें अब कटे हुए प्याज डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे प्याज को बिल्कुल मैं लो फ्लेम पे धीरे धीरे ही फ्राई करूँगी, इसे
तेज आंच पे नहीं फ्राई करना है, जितने धीमे धीमे आंच पे ये फ्राई होगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा, क्योंकि किसी भी मसाले को जब आप धीमी आंच पे भूनते हैं तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। और ये देखिए राजमा भी बिल्कुल अच्छी तरह से उबल चुका है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ इस जार में छोटे छोटे मैंने टमाटर काट रखे हैं ताकि ये बिल्कुल आसानी से पिस जाए। और उसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च, काली मिर्च और जीरा का पेस्ट है जो थोड़ा सा मोटा था, तो मैंने सबको साथ में ही यहाँ पे मिलाकर फिर से ग्राइंड कर लिया है। और उसी में मैंने डाला है ये धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल चिकना सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। और ये फिर से एक सीक्रेट चीज़ राजमे में डालने के लिए, जिससे आपके राजमे का जो टेस्ट है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा। तो आप लोग भी एक बार बिल्कुल ट्राई करके देखें इस मलाई को राजमे में डालकर। इससे क्या होता है कि जो राजमे की ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी क्रीमी क्रीमी हो जाती है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पे मैंने क्रीम को अच्छा चिकना होने तक फेंट लिया है। और इधर प्याज बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो चुका था तो मैंने इसमें डाला है वो तैयार किया हुआ स्मूथ सा पेस्ट। और इसे भी मैं बिल्कुल धीमी आंच पे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक भून लूँगी। और जार में थोड़ा सा पेस्ट रह गया था तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसको घोल करके मैंने इसी में डाल दिया है। और मैं यहाँ पे अब नमक ऐड कर रही हूँ, ये मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ। वैसे तो मैंने राजमे में भी नमक और हल्दी डाल करके ही उबाला था, लेकिन फिर इस मसाले के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है। और फिर इसे ढक ढक कर मैंने धीमी आंच पे बिल्कुल फ्राई किया है और कुछ देर के लिए अभी और फ्राई होगा। जब तक ये बिल्कुल इकट्ठा ना होने लगे तब तक तो यहाँ पे देखिए ये मसाला बिल्कुल अब भून करके रेडी हो चुका है। इसका कलर अब बहुत अच्छा आया है तो मैं इसमें वो फेटी हुई मलाई डाल रही हूँ और इसे मैं कुछ देर के लिए लगातार चलाती ही रहूँगी। अगर मैं नहीं इसे चलाऊँगी तो ये जो मलाई है वो हो सके तो थोड़े थोड़े फट जाएं तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो इस वजह से इसे लगातार चलाना होता है। जब भी आप किसी ग्रेवी में दही या फिर क्रीम डालते हैं तो थोड़ी देर तो इसे कंटिन्यू चलाना ही होता है। और मैं इसमें डाल रही हूँ अब ये थोड़ी सी कसूरी मेथी। और यहाँ पे कुछ देर के लिए मैं इसे और भून लूँगी। और अब ये अच्छा भुन चुका है तो मैं इसमें वो उबला हुआ राजमा भी डाल रही हूँ। और ये राजमा डालने के बाद फिर मैं इसे 7 से 8 मिनट के लिए ऐसे ही ढक करके धीमी आंच पे फिर से पकने दूंगी ताकि राजमे में जो है मसाले का टेस्ट वो बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाए। और ये अब बिल्कुल रेडी हो गया है तो मैं यहाँ पे गरम मसाला और धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे राजमा कंप्लीट हो गया है और मैं इधर अब तैयारी कर लेती हूँ चावल बनाने की। तो मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें मैं अब डाल रही हूँ ये देसी घी 1 से 2 चम्मच के लगभग में।
और ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ जीरा, तेज पत्ता और थोड़े से लौंग। और ये थोड़ा सा भुन गया है तो मैं इसमें अब चावल भी डाल करके कुछ देर के लिए भून लूंगी। और इस चावल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। चावल जब भी आपको इस तरह से बनाना हो तो आप इसे 20 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक भिगोकर बिल्कुल रखिए। इस तरह से आपका जो चावल है या फिर पुलाव है वो बहुत खिला खिला बनता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया है और मैं इसमें अब डालूँगी थोड़ी सी धनिया पत्ती और उसके बाद फिर पानी। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल करके सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मैं अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करूँगी और एक सीटी आने तक मैं इसे पका लूँगी। और इधर मैं अब कर लेती हूँ रायता बनाने की तैयारी, जो है बिल्कुल फटाफट वाली रेसिपी, जो कि मेरे साथ साथ और भी लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि सभी तो मेहनत करने से थोड़ा सा बचना ही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बनने वाली रेसिपी रहे। तो यहाँ पे मैंने दही में डाला है राई पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ती, प्याज जो कि बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने जिसे काट लिया है, और थोड़ी सी हरी मिर्च। और फिर इसमें मैं ऐड कर लूँगी ये बूंदी, जो रायते वाली बूंदी होती है, नमकीन वाली, या फिर आप प्लेन बूंदी भी ले सकते हैं यहाँ पे। और ये सारी जो रायते हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और खाने के साथ ये सारी चीज़ें रखने से खाना बिल्कुल कंप्लीट सा लगता है, भरा भरा सा लगता है इसको डालने से। तो यहाँ पे झटपट वाला रायता भी रेडी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि मैंने इसमें डाला है तड़का। तो तड़के वाला रायता बिल्कुल ट्राई कीजिए कभी, बहुत अच्छा लगता है। तो तड़के के लिए मैंने लिया था सरसों तेल, थोड़ी से जीरा, और उसी में मैंने एक से दो लाल मिर्च भी डाल दिया था। और यहाँ पे बिल्कुल अब कंप्लीट हो चुका है ये। और ये देखिए राजमा भी बिल्कुल थिक थिक सा हो गया है यहाँ, और कलर भी इसका बहुत प्यारा आया है। और मंडे के ब्लॉग की एंडिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन आप ट्यूसडे के ब्लॉग को देखना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं उसमें आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो हमारे बिहार में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इस बरसात के मौसम में हम लोगों को तो बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग इससे जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है ये नहीं मालूम होगा कि क्या है। झारखंड के लोगों को पता नहीं मालूम है या नहीं, मैं नहीं कह सकती। अगर आप लोगों को मालूम होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसे कैसे बनाते हैं, या फिर आप लोगों ने कभी इसे एंजॉय किया या नहीं। रेसिपी को बनाने के लिए कभी मैं सोच ही नहीं थी कि मैं इसे बनाऊंगी भी, लेकिन झारखंड आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मिल रही है, इस वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ रही है, और मैं धीरे धीरे सीख भी रही हूँ और बना भी रही हूँ। लेकिन मैंने इसे 2-3 बार बनाया है और बहुत अच्छा बना है, और इसका टेस्ट तो बचपन से मैं खा रही हूँ तो कभी भूल भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप लोग कल के ब्लॉग को देखना बिल्कुल भी ना भूलें।